बाद में अगर कोई आए तो देख पाए। आज के इम्पोर्टेंट सेंटेंस देखते हैं हम स्पोकन इंग्लिश क्लास के। हमारे फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर हमारा, मैं अपने घर में हूं। अगर हमें इंग्लिश में किसी को बोलना है कि मैं अपने घर में हूं, तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? आई एम इन माई हाउस। क्या वर्ड आएगा? आई एम इन माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं क्लास में बैठा हूं। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? मैं क्लास में बैठा हूं कि आई एम सिटिंग इन द क्लास। आई एम सिटिंग इन द क्लास। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है तुम क्या सोच रहे हो। इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पर? व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, यानी कि व्हाट आर यू थिंकिंग। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं कम इन। ये तो जनरली हमें सभी को पता है ना, यूज करते रहते हैं इसको हम। इसके बाद नेक्स्ट है, अब मैं कुछ बोलूं, जैसे कहीं मीटिंग चल रही है और उसमें हमें बीच में कुछ बोलना है, तो हम पूछते हैं कि मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ। एक बार जो हमने पांचों सेंटेंस देखे, ये इनको रिपीट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये थोड़े से लर्न हो जाए। पहला सेंटेंस था हमारा, मैं अपने घर में हूं। आई एम इन माई हाउस। आई एम इन माई हाउस। नेक्स्ट टाइम, मैं क्लास में बैठा हूं। आई एम सिटिंग इन द क्लास। आई एम सिटिंग इन द क्लास। तुम क्या सोच रहे हो, कि इंग्लिश क्या होगी? व्हाट आर यू थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग, यानी कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माई कम इन। मे आई कम इन। अब मैं क्या बोलू, अब मैं क्या बोलूं, कि इंग्लिश हो जाएगी मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ। या फिर हम कुछ परमिशन ले रहे हैं किसी से कि क्या आप, मैं बोलूं बीच में, तब भी हम मे आई से समथिंग नाउ ही बोलेंगे। मे आई से समथिंग नाउ, यानी कि क्या आप, मैं बोलूं कुछ। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो कि डेली यूज में आते रहते हैं हमें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे, दूध पी लो। जैसे छोटे बच्चे को हमें घर में कहना है कि तुम दूध पी लो, तो क्या बोलेंगे? ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक मिल्क। मेरा प्यारा बच्चा, माई क्यूट बेबी। माई क्यूट बेबी। मुझे तुम पर गर्व है। इंग्लिश में कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। कल तो छुट्टी है, टुमारो इज अ हॉलीडे। टुमारो इज अ हॉलीडे, यानी कि कल तो छुट्टी है। दीवार पर मत लिखो। छोटे बच्चों को अक्सर हम बोलते हैं दीवार पर मत लिखो। डोंट राइट ऑन द वॉल। डोंट राइट ऑन द वॉल। पता है, किसी से हम पूछते हैं ना कि पता है, क्या तुम्हें पता है या तुम जानते हो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू नो व्हाट। यू नो व्हाट। यू नो व्हाट, यानी कि पता है, या फिर क्या तुम्हें पता है? यू नो व्हाट। पूरा मत खाना। छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कि पूरा मत खाना, थोड़ा अपने भाई को भी देना, तो उसके लिए इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डोंट ईट अप। डोंट ईट अप। ईट अप यानी कि पूरा खाना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम? डोंट ईट अप। वैसे तो ये जो ईट इट अप है, ये पूरा एक ही वर्ड है और इसका मतलब होता है पूरा खाना, है ना? डोंट ईट इट अप। इसके बाद नेक्स्ट है, पूरा मत पीना। डोंट ड्रिंक इट अप। डोंट ड्रिंक इट अप, यानी कि पूरा मत पीना। क्या बात है, तो व्हाट इज द मैटर। जैसे कहा, कहीं पर छोटा मोटा झगड़ा चल रहा है या कुछ बातचीत चल रही है,
तो हम पूछते हैं कि क्या बात है, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। उसके बाद नेक्स्ट है, बोलो कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू गो। इसी से हमें पूछना है कि बोलो आपको कहाँ जाना है, तो क्या कहेंगे, टेल मी वेयर टू गो। वापिस से हम सारे सेंटेंस वन टाइम रिपीट करते हैं ताकि हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाए। फर्स्ट सेंटेंस है, दूध पी लो, की इंग्लिश क्या थी, ड्रिंक मिल्क। मेरा प्यारा बच्चा, माई क्यूट बेबी, माई क्यूट बेबी। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सेंटेंस आपको भी मन में बोलना है वहीं पर, या लाउडली भी आप बोल सकते हैं, आपका जो माइक है वो वैसे ही म्यूट है। आप बोलोगे तो आपके टंग की प्रैक्टिस होगी और थोड़े समय बाद ये जो सेंटेंस है वो अपने आप ही आपके मुंह से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, कल तो छुट्टी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, टुमारो इज अ हॉलीडे, टुमारो इज अ हॉलीडे। दीवार पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द वॉल, डोंट राइट ऑन द वॉल। पता है, यू नो व्हाट, यू नो व्हाट। पूरा मत खाना, डोंट ईट इट अप, डोंट ईट इट अप। पूरा मत पीना, डोंट ड्रिंक इट अप, डोंट ड्रिंक इट अप। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। बोलो कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू गो। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहे होंगे सेंटेंसेस। इसके बाद भी ये जो वीडियो है वो यहीं पर रिकॉर्डेड और स्टोर रहेगा 24 आवर्स के लिए। आप बाद में भी इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं और बार बार सुनेंगे अगर आप ये सेंटेंसेस को, तो आपकी अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, छोटे छोटे सेंटेंसेस है। जैसे किसी को हमें बोलना है कि बैठ जाओ, तो आपको सभी को पता है सिट डाउन बोलते हैं हम, है ना, बट कुछ लोगों को नहीं पता है तो उन्हें इसको याद रखना है कि बैठ जाओ की इंग्लिश क्या होती है, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। क्या कहना है, खड़े होने के लिए स्टैंड अप। जल्दी करो, हरी अप, हरी अप यानी कि जल्दी करो। शर्माओ मत, छोटे बच्चों को जैसे हम बोलते हैं कि शर्माओ मत, तो डोंट बी शाई, शाई यानी कि शर्माना होता है, डोंट बी शाई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे मत देखो, एंड डोंट लुक एट हिम। कोई छोटा बच्चा है, किसी और के साइड में वो देख रहा है, तो हमें कहना कि उसके साइड मत देखो, तो क्या कहेंगे, डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम यानी उसके साइड मत देखो। नेक्स्ट है, चालाक मत बनो, चालाक मत बनो की इंग्लिश हो जाएगी, डोंट बी स्मार्ट। जैसे कोई बच्चे थोड़े चतुर बनते हैं ना, तो हम बोलते हैं डोंट बी स्मार्ट, तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। और कई बार ये जो सेंटेंस है डोंट बी स्मार्ट, ये यूज भी होता है, तो आपको याद रखना है इसको, इससे काफी एक इफेक्टिवनेस दिखाई देगी आपकी जो वॉइस है उसमें। नेक्स्ट है, जिद मत करो, जिद मत करो कि इंग्लिश होगी डोंट बी स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न होना यानी कि जिद्दी होना, तो डोंट बी स्टूबॉर्न। नेक्स्ट है, झगड़ा मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट। घर में अगर दो बच्चे रहते हैं तो जनरली झगड़ते रहते हैं, तो हम बोलते हैं झगड़ा मत करो, तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डोंट फाइट, फाइट यानी कि झगड़ा करना, तो जैसा हम बोलेंगे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। झूठ मत बोलो, झूठ बोलने की जो इंग्लिश है, या झूठ मत बोलने की जो इंग्लिश है वो क्या होती है, टेल अ लाई। ये जो वर्ड है ना, टेल अ लाई, ये पूरा एक ही वर्ड है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डोंट टेल अ लाई यानी कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो की इंग्लिश क्या होगी, डोंट टेल अ लाई। उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम। गाली के लिए हम एब्यूज वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एब्यूज, एब्यूज यानी कि गाली देना, किसी को गाली देने के लिए एब्यूज वर्ड यूज होता है। तो डोंट का मतलब है, होता है यहाँ पर कि मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो डोंट वर्ड जहां पर भी लगा होता है उसका मीनिंग क्या होगा, कि ये काम आपको नहीं करना है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं सारे सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, बैठ जाओ, क्या होगी इसकी इंग्लिश, बैठ जाओ की इंग्लिश क्या है, आपको बोलना है सिट डाउन। खड़े हो जाओ, खड़े होने की इंग्लिश क्या है यहाँ पर,
स्टैंड अप, जल्दी करो। जल्दी करो की इंग्लिश क्या है यहाँ पर? हरी अप। शर्माओ मत, शर्माओ मत के लिए डोंट बी शाई, डोंट बी शाई। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। जिद मत करो, डोंट बी स्टूबर्न, डोंट बी स्टूबर्न। झगड़ा मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम, यानी उसे गाली मत दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसके बाद। इसके बाद अगले हमारे जो सेंटेंसेस है वो भी बहुत अच्छे सेंटेंस है और बहुत इजी सेंटेंसेस है। ये लास्ट स्लाइड रख सकते हैं हम, अगर आप बोर हो रहे हो तो। आप माइक ऑन करके आपको अगर कुछ बोलना है तो बोल भी सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इधर देखो। इधर देखो की इंग्लिश क्या होगी? लुक हेयर। जनरली जब हम पढ़ाते रहते तो बच्चे इधर उधर देखते हैं, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं कि इधर देखो यानी कि लुक हेयर, या लुक एट द बोर्ड। इधर देखो, लुक सॉरी उधर देखो। उधर देखो की इंग्लिश क्या होगी? लुक देयर। देयर है ना उधर देखना, है ना। लुक देयर यानी कि उधर देखो। फिर आना, कम अगेन। फिर आना की इंग्लिश क्या होगी? कम अगेन। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आते हैं और उनको हम बोलते हैं कि और आना या फिर आना, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कम अगेन। कम अगेन यानी कि पुनः आना या फिर आना। ध्यान रखना, ध्यान रखना की इंग्लिश क्या है? टेक केयर। जनरली हम चैटिंग में बोलते ही रहते हैं टेक केयर यानी ध्यान रखना। इसके बाद सामने देखो, सामने देखो की इंग्लिश क्या होगी? लुक अहेड। लुक अहेड यानी सामने देखो। सावधान रहे, बी केयरफुल, बी केयरफुल। आपको पता होगा ये सारे सेंटेंसेस या इसमें से कुछ जो सेंटेंस है वो आपको अच्छे से आते भी होंगे, बट ये हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हमारी टंग पे नहीं है, मुंह में एकदम याद नहीं आते जब हमें बोलना रहता है। तो बार बार अगर ये सेंटेंसेस आप सुनेंगे तो अपने आप आपके मुंह से ये निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सावधान रहे की इंग्लिश क्या होगी? बी केयरफुल। जाने भी दो, जाने भी दो की इंग्लिश क्या होगी? लेट इट बी। लेट इट बी यानी कि जाने भी दो। इसे कम करो, जैसा आपको कोई खाना परोसता है उसमें अगर ज्यादा सब्जी वगैरह या रोटी परोस देता है तो हम बोल सकते हैं वहां पर कि इसे कम कर दो। तो उसके लिए क्या होगा? रिड्यूस इट। रिड्यूस इट यानी कि इसे कम करो। वहां कौन है? हु इज देयर, हु इज देयर। वहां कौन है की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पर? Who is there? सुधर जाओ। सुधर जाओ की इंग्लिश क्या है? मेंड योर वेज। मेंड योर वेज यानी कि सुधर जाओ। वापिस से रिपीट कर लेते हैं इनको। इधर देखो, लुक हेयर। क्या होगी इधर देखो की इंग्लिश? लुक हेयर। उधर देखो, लुक देयर। लुक देयर यानी कि उधर देखो। फिर आना, कम अगेन। कम अगेन। ध्यान रखना, टेक केयर। टेक केयर। सामने देखो, लुक अहेड। लुक अहेड। इंग्लिश के सेंटेंसेस को मैं 2 टाइम इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। सावधान रहे, सावधान रहे की इंग्लिश क्या होगी? बी केयरफुल, बी केयरफुल। जाने भी दो, लेट इट बी। लेट इट बी। इसे कम करो, रिड्यूस इट। रिड्यूस इट। वहां कौन है? हु इज देयर, हु इज देयर। सुधर जाओ, सुधर जाओ की इंग्लिश क्या होगी? मेंड योर वेस। मेंड योर वेस यानी कि सुधर जाओ। ठीक है, इसके बाद एक और स्लाइड देख सकते हैं हम। ये लास्ट स्लाइड रहेगी आपकी। वो छोटे छोटे से वर्ड है इसमें, जनरली हम यूज करते हैं। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर खबरदार। खबरदार के लिए हम बोलते हैं बी वेयर। बी वेयर यानी कि खबरदार। जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि रुक जाओ, ये मत करना, वो मत करना, तो वहां पर अपन बोलते हैं खबरदार। तो खबरदार की इंग्लिश होती है बी वेयर। तो क्या, सो वॉट। जैसे कोई आपको कुछ बात बताता रहता है तो आप बोलते हो ना, तो क्या हुआ।
तो आप बोल सकते हो वहां पर सो व्हाट, चुप रहो की इंग्लिश होती है बी क्वाइट यानी कि चुप रहो। खुश रहो की इंग्लिश होती है बी हैप्पी यानी कि खुश रहो। सावधान रहो यानी कि बी केयरफुल यानी कि सावधान रहो। काफी है, दैट्स इनफ, जैसा आपको कोई खाना परोसता है तो उसमें आप बोल सकते हो हाँ ये हमारे लिए पर्याप्त है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि दैट्स इनफ यानी कि यह पर्याप्त है। आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप बोलते हो कि मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पर, आई एम फाइन, या फिर हम ज्यादा ही अच्छे हैं तो हम बोल सकते हैं आई एम फैंटास्टिक, या आई एम गुड भी बोल सकते हैं हम। जनरली ज्यादातर आई एम फाइन ही यूज करते हैं, तो आई एम फाइन बोल सकते हैं हम। और कुछ, एनीथिंग एल्स, किसी से पूछते हो और कुछ, तो एनीथिंग एल्स की इंग्लिश यहाँ पर हिंदी क्या हो जाएगी, और कुछ नहीं। अगर किसी को हमें बोलना है कि और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, या आपको जैसा आप मोबाइल पे चैटिंग करते हो और किसी से पूछना है कि और कुछ कहना है क्या, तो आप बोल सकते हो एनीथिंग एल्स, है ना, तो सामने वाला बोलता है कि नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग, यानी कि क्या गलत है या क्या गलत हो रहा है, तो व्हाट्स रॉन्ग। फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर खबरदार, खबरदार की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बी वेयर। तो क्या, सो व्हाट, तो क्या की इंग्लिश क्या है, सो व्हाट। चुप रहो की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बी क्वाइट या कीप क्वाइट भी हम बोलते हैं। खुश रहो, बी हैप्पी। सावधान रहो, बी केयरफुल। काफी है, दैट्स इनफ। मैं ठीक हूं, तो आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम फाइन। और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। क्या गलत है, व्हाट रॉन्ग, व्हाट रॉन्ग। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेंटेंसेस और कुछ वर्ड हमने देखे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। चेतना मैडम, सोनू मैडम, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। लास्ट में आपके रिप्लाई ले लेते हैं। गायत्री मैडम, कोमल मैडम भी है। क्या कमी थी सेंटेंसेस में, या कैसी क्लास लगी आपके रिप्लाई। नीचे माइक का ऑप्शन है, उससे आप अनम्यूट करें अपने आप को और उसके बाद बोलें। हेलो, ठीक है, मैं अनम्यूट करूं अपने आप को। सोनू मैडम का रिप्लाई है, अच्छा था। गायत्री मैडम ने रिप्लाई किया है, नाइस क्लास। ठीक है, मैं कॉल करके रिप्लाई ले लूंगी आपके, या किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। जो कमियां रही है वो भी बता है, जो अच्छा, कुछ अच्छा था वो भी बता सकते हैं। चेतना मैडम का माइक हुआ अनम्यूट। चेतना मैडम, क्लास वेरी बहुत नाइस, अच्छी थी मैम, टॉपिक वही सारे थे आपको बहुत प्रॉपर। इजी थे, आसानी से समझ सकते हैं ऐसे टॉपिक है। हाँ, ऐसे सेंटेंसेस लिए मैंने जो कि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ये डेली यूज के सेंटेंसेस थे, है ना, क्योंकि ग्रामर अगर अच्छा है ना, स्टार्ट डेली करते हैं। यूज में रेगुलर यूज होंगे तो काफी अच्छा। हाँ, ग्रामर अगर सीखते हैं तो 3-4 महीने अपने को ग्रामर सीखने में लग जाते हैं, और उसके बाद भी जब तक हम डेली यूज के सेंटेंसेस नहीं सीखते तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। नहीं, काफी धीरे अच्छा धीरे, किया आपने सिखाने के लिए। हाँ, और जो सेंटेंसेस सीखे उनको आप वापस से, ये जो आपका ऐप है ना, कौन सा ऐप अपन पढ़ाई कर रहे हैं, टीच मीट पे, इस पे ये टीच वीडियो मीट, डला रहेगा। हाँ, तो इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, है ना, हाँ आपको ठीक वापस से दिख जाएगा अगर समझ में नहीं आया है, और बार बार अगर इनको सुनते भी हम तो भी याद हो जाते हैं। ठीक है मैडम, ठीक है।
रिकॉर्ड ये क्लासेस तो आप रोज लेने वाले हैं ना अभी?